एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये चैप्टर्स में टॉपिक रिलेटेड नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बस ग्राब करते जाओ, तुम्हें सबको इंटर रिलेट नहीं कराना है। वो स्कूल के गुरुजी इंटर रिलेट कराते हैं, यहाँ पे इंटर रिलेशन नहीं है। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही। जैसा भी है गेट अप, ड्रॉअर में से 4-5 शीट्स निकालो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास आपके कोई पर्टिकुलर बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी तरफ से प्रोवाइडेड है, बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस हैं। आगे चैप्टर्स में कई सारे ऐसे वर्ड्स सुनाई पड़ते हैं जो समझाए जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो लगता है कि ये कहाँ से रिलेट कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, आज की क्लास का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस। हम सिर्फ कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपकमिंग चैप्टर्स में आने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चर्चा को आरम्भ करते हैं। चलिए, तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन जो है उसको पढ़ाने से पहले मैं जरा 11th की डेफिनेशन की तरफ आपका फोकस दूंगा, अगर नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बेसिक सा लिखा था कि इकोनॉमिक्स एक क्या है, सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ सोसाइटी, जो इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करती है एक सोसाइटी में, एक एरिया में, एक कंट्री में, एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज। बस यही समझाना है और कुछ नहीं समझाना है। प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज क्या मतलब है इसका, देखो इकोनॉमिक्स को मैं एक सरल भाषा में बोलूं, अर्थशास्त्र। हमें अपनी कंट्री की, हमें अपने देश की, भारत देश की आर्थिक परिस्थिति पता करनी है। कैसे पता चलेगी, अभी तुम्हारी 1,00,000 इनकम है, हो सकती है, तो 1,00,000 अगर इनकम है तो यू आर एट अ गुड स्टेट, लोग कहेंगे कि हाँ तुम्हारा अच्छा स्टेट है। मतलब आदमी किसी के स्टेटस को कैसे देखता, उसकी इनकम से। तो यहाँ देश की भी जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम उसकी इनकम से देखेंगे। अब जैसा कि डेफिनेशन में पहले लिखा हुआ है, स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर, तो एक एक आदमी से, ये मैं क्लास 11th की अगर आप देखेंगे मेरी काउंट 1, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक एक आदमी की इनकम जनरेट करा पाना, जान पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मोदी जी पूरे देश की इनकम कैसे जनरेट कराएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगह जाके बात करते हैं जो डेटा मुझे करेक्टली अवेलेबल करा सकें, जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स। अब हमारे प्रोड्यूसर्स यानी मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, मैं अपनी इनकम कहाँ करूँगा, या तो कंज्यूम करूँगा या तो सेव करूँगा, दो ही काम कर सकता हूँ। तो कंज्यूम करूँगा तो मैं जनरल स्टोर पर जाऊँगा, इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो परचेज करूँगा, और सेविंग्स मैं बैंक में जाऊंगा। तो अगर इन दोनों सेक्टर में, यानी जो सर्विस सेक्टर है और ये जो गुड्स सेक्टर है, इनकी इनकम पता कर ली जाए तो हमारे देश की इनकम आराम से पता चल सकती है, मुझे इंडिविजुअल के पास नहीं जाना पड़ेगा, बस यही समझो। तो हम अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई क्या है। अब हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। एक सिंपल से डायग्राम से समझो, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा यूपी है, ये हमारा पंजाब है, ठीक है, दिस वन इज पंजाब, ये हमारा यूपी हो गया, दिस इज एमपी, दिस इज आर साउथ, ठीक है। अब क्या है, अभी तक हम ऐसे ही पढ़ रहे थे कि यूपी के अंदर ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ गुड्स सेल हुए, इन सब की मार्केट वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इन सब की मार्केट वैल्यू को एक्यूमुलेट कर लूं तो इंडिया की पूरी इनकम निकल आएगी। मार्केट वैल्यू ले रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं मार्केट वैल्यू लेना है, क्यों बोल रहा हूं मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम में काम आएगा इसीलिए बोल रहा हूं मार्केट वैल्यू, कॉस्ट नहीं, सेल प्राइस नहीं, कुछ भी नहीं, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ले लूंगा तो मेरे देश की मुझे इनकम पता चल जाएगी। अब जरा इस डेफिनेशन को एक क्विक ग्रैप पढ़ लेते हैं, सब कुछ आपने समझ लिया है। इट इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, ठीक है, या इकोनॉमी ऑफ होल, ठीक है। नाउ इन माइक्रो वी स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, दिस DNS रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम कंज्यूमर परस्पेक्टिव, एंड इन माइक्रो वी विल स्टडी दी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, एज टू नो द वेल्थ ऑफ द नेशन, हम वेल्थ ऑफ द नेशन जानना चाहते हैं इस वजह से। ओके, नाउ वी कम अप विद द डेफिनेशन, एग्जाम में नहीं आएगी। द सेकेंड पॉइंट विच कैन बी आस्क डायरेक्टली इन द एग्जाम इज टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स, कितने टाइप के गुड्स होते हैं, ये चैप्टर्स में टॉपिक रिलेटेड नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट बस ग्राब करते जाओ, तुम्हें सबको इंटर रिलेट नहीं कराना है। वो स्कूल के गुरुजी इंटर रिलेट कराते हैं, यहाँ पे इंटर रिलेशन नहीं है। यहाँ अभी आप टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं इंटर रिलेट आगे जाके टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज में इंटर रिलेशन नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स, चार ही तरीके के गुड्स हो सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फिनिश गुड्स और एक कैपिटल गुड्स, ठीक है, चार टाइप के गुड्स हो गए। कंज्यूमर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो हमारी बेसिक डिमांड को, बेसिक नीड्स को मीट करें, मतलब कुछ खास नहीं है, बस जितना लिखा है उतना लिख देना, एग्जाम में भी इतना ही एक्सप्लेनेशन काफी रहेगा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच डज नॉट क्रॉसेस दी
प्रोडक्शन बाउंड्री वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस भी आता है फाइनल गुड्स के साथ, लेकिन पहले इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को प्रोसेस नहीं किया है, ठीक है। दे आर इन इंटर लेवल, इंटर लेवल का मतलब आप इंटर लेवल पे हो, वो इंटर लेवल नहीं, इंटर लेवल का मतलब दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यानी इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जो अभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को, फिनिश गुड्स नहीं बने, बट दे कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल। अभी एग्जाम्पल देता हूं, नाउ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है एंड दे आर रेडी टू बी सेल इन द मार्केट, रेडी टू बी सेल इन द मार्केट, वर्ड याद रखना। नाउ कैपिटल गुड्स इज द लास्ट गुड्स, हम जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मटेरियल लेके आते हैं, ठीक है, उसको कुछ प्रोसेसिंग करके आगे हम बनाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग करने की जो मशीन होती है ना, मतलब जिससे हम अपना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन रन कराते हैं, एंड वी आर नॉट गेट हियर टू सेल इट ऑफ एंड गेन अ प्रॉफिट, उस टाइप के गुड्स को क्या कहेंगे हम? कैपिटल गुड्स। जैसे मशीन, इससे इनकम जनरेट होती है, लेकिन इसको बेचना नहीं है, इससे इनकम जनरेट करवानी है, ठीक है। चलो, अब कंज्यूमर गुड्स में चार टाइप के गुड्स होते हैं। गुड्स क्या? तीन गुड्स होते हैं, एक सर्विस होती है, ठीक है। गुड्स तीन टाइप के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब जो थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक चले, मैं पहले बता रहा हूँ 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विच रन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एग्जाम्पल जैसे भी टीवी, फ्रिज, ये मेरा कैमरा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक लॉन्गर पीरियड तक चलने वाली हैं, हमारी क्लासेस भी चलने वाली हैं। नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि नॉट मोर देन ड्यूरेबल गुड्स लाइफ होगी, उनसे थोड़ी कम होगी, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, ठीक है। आज मेरे पास ये शर्ट है, ठीक है, तो ये कितने दिन चलेगी? साल भर, 6 महीना, इसके बाद ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोथ्स, ट्यूबलाइट, ये जितनी भी सारी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं जिनके टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, साल, 6 महीने, उतना ही, ठीक है। तो ईयर प्लीज मत लिखिएगा, मेरा यही आपको सजेशन है, पिछले वाले से कंपेयर करके लिखिएगा, और ड्यूरेबल में लिखिएगा लॉन्गर द पीरियड, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल में लिखिएगा ड्यूरेबल से कम, नॉन ड्यूरेबल में लिखिएगा सेमी ड्यूरेबल से भी, यस माय बैड, सेमी ड्यूरेबल में आप ये लिखिएगा कि भाई लेसर देन ड्यूरेबल, एंड नॉन ड्यूरेबल में आप लिखिएगा कि लेसर देन सेमी ड्यूरेबल, एंड ये कंज्यूम करते ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कहने का, वी हैव ओनली वन यूजिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कपड़े को एक बार नहीं, कई बार पहना जा सकता है। अब आप बहुत अमीर हैं, अपनी जगह है, पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है? वन टाइम कंज्यूम, जैसे LPG, पेट्रोल, एक बार गाड़ी में भरवाया, काम खत्म, जितने किलोमीटर चल गए उसके बाद काम खत्म। लास्ट सर्विस, सर्विस क्या होती है? इट इज नॉन फिजिकल गुड्स, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है सर्विस, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मिल रही है। चलो, नाउ वी गेटिंग टू द डिफरेंस। अभी मैं इंटरमीडिएट और फिनिश गुड्स के तो एक थिन सा एग्जांपल दे देता हूँ, प्लीज़ उसको याद रखना, बहुत टेक्निकल एग्जांपल नहीं है, कई लोग बहुत बड़े बड़े एग्जांपल देते हैं, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एक मिल्क फैक्ट्री है, शायद आपके यहाँ जो भी मिल्क का ब्रांड आता होगा, पराग, नमस्ते इंडिया, या अमूल, मदर डेयरी, व्हाटएवर यू टेक इट, ठीक है। तो उसका जो 1 लीटर का पैकेट पैक होके आता है ना, दैट पैक्ड पैकेट विच इज इन द मार्केट इज फिनिश गुड्स। लेकिन अगर वही मदर डेयरी का पैकेट अभी भी हमारे मदर डेयरी की स्टोर में पड़ा हुआ है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ हम बेसिकली मिल्क को पैकिंग वगैरह का सारा काम करते हैं, वहीं पे बिफोर पैकिंग अगर वो मिल्क कर्ड बनाने के लिए यूज कर दिया जाता है, दही बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो नाउ दैट मिल्क विच इज यूज एज अ फिनिश गुड्स इन अ पैकेट फॉर्मेट, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स विच कैन बी यूज एज अ रॉ मटीरियल, विच कैन बी यूज एज अ रॉ मटीरियल इन द अपकमिंग नेक्स्ट प्रोसेस। तो बस सिंपल सी बात है कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस करते हैं और ये क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट रेडी टू यूज एज अ फॉर कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, ये फाइनल कंज्यूमर के यूज के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओपन है, जब पैक हो जाएंगे तो यूज हो जाएंगे, लेकिन दे आर रेडी टू यूज। दिस इज नॉट अ पार्ट, देखो कुछ पॉइंट थोड़े से आगे चैप्टर से रिलेटेड है, तो अभी समझ लो, आगे जाके सब समझ में आएगा। ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, और मैं बच्चों की लैंग्वेज में क्या समझाऊं, मैं सिंपल सा समझाता हूँ, यूर इन क्लास 12th, भाई सिंपल सी बात है, जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, मार्केट में सेल होने के लिए तैयार नहीं होगा, तो भाई मार्केट में अगर सेल होने के लिए नहीं तैयार है तो नेशनल इनकम में ही क्यों ले लेंगे, बात समझे, ठीक। लेकिन यहां पे नेशनल इनकम में लिया जा सकता है, क्योंकि फिनिश गुड्स आर रेडी टू सेल इन द मार्केट। लास्ट, यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर गुड्स, मैं बता चुका हूं कर्ड के लिए, एंड नॉट यूज फॉर सच पर्पजेस, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्विकली इसको पॉज करके, मतलब क्लास में कोशिश करना कि कहीं स्पेस दिखे तो प्लीज पॉज करके उसकी नोटिंग कर लेना, आपको चाहे सर ने जैसा भी लिखवाया आपके, लेकिन ये चार्ट, अगर ये डायग्राम आपके पास रहेगा, तो आई थिंक इट्स मच ईजियर
टू राइट ऑन. नाउ लास्ट ये वाला आपका पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है. नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. देखो अलग टॉपिक है. अब हम मैं एक बात आपको पहले से जरा थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके दिखा दूं. हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में समझने आए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ठीक है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब देश की इनकम कैसे फ्लो करती है, कैसे इनकम जनरेट होती है, क्या प्रोसेसिंग शेड्यूल होता है, ठीक है. हमें सिर्फ दो सेक्टर पढ़ने हैं लेकिन होते चार सेक्टर हैं. तो इन चारों सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, इन सब में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज आता है, ठीक है. और इन्वेस्टमेंट वर्ड सबसे ज्यादा यूज आएगा आपके प्रोड्यूसर सेक्टर में, ठीक है. तो प्रोड्यूसर यानी कह सकते हो आप इसको, प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हो. तो भाई प्रोड्यूसर के साथ ये वर्ड यूज होगा. तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी. इट इज जस्ट सिंपली अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. बाकी जो लिखा है आराम से पढ़ सकते हो, मैं समझा दे रहा हूं. लेकिन आपको जो एग्जाम में वर्ड लिखना है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल बनाने की एक प्रोसेस होती है. और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब भाई कैपिटल का स्टॉक बढ़ाना मेरे पास, सिंपल सी बात है. ये कैपिटल स्टॉक तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी रिलेट कर सकता है. जितनी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी कैपिटल आपकी जनरेट होने वाली है. एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन कैपिटल स्टॉक. कैसे बताता हूं आगे, ठीक है. नाउ इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से देखते हैं. यहां पे एसेट साइड याद करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड याद करो. एसेट्स एंड करंट एसेट दो ही चीज होती है. तो इन्वेस्टमेंट को भी दो तरीके से देखा जा सकता है. एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टॉक हमारा, ठीक है. तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल हो गया तुम्हारा मशीन एंड द एसेट, एंड इसका एग्जांपल हो गया स्टॉक एंड द रॉ मटेरियल. नाउ इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि भैया हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात. हायर आउटपुट मतलब अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके पर्पज से बता रहा हूं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है. दूसरा हायर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, और तीसरा देश का इनकम बढ़ेगा. ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं बता देता हूं प्रोडक्शन हुआ मार्केट में गया रेडी टू सेल, तो भाई सिंपल सी बात है देश की इनकम भी बढ़ेगी. चलो आ जाओ. नाउ ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट कंसर्न विद द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बताता है कि आपके पास कंटिन्यूअस अवेलेबल रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये. एंड द सेकेंड वर्ड इज कंसर्न विद द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स, ठीक है. लास्ट स्टॉक, ये आपको एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, एक आपका टॉपिक होगा उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है. शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के नाम से आएगा. नाउ क्या होता है ये स्टॉक, बेसिकली दो टाइप का होता है. देखो मैं इसको सिंपल से बताता हूँ, जो लिखा हुआ है उससे हटके. स्टॉक क्या होता है, एक मेरा प्लांड स्टॉक कि सपोज दैट मेरे को इस साल में इतने स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, 1,00,000 की सेल करनी, तो मैंने 1,00,000 का प्रोडक्शन कराया. दिस इज व्हाट, दिस इज माय डिजायरेबल स्टॉक, ठीक है, जो मैंने प्लान किया है मेरी फ्यूचर डिमांड मीट करने के लिए. अब सपोज दैट कोई एक अनसर्टेन इवेंट इनकर हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं कर पाया, मैं 1,00,000 की जगह सिर्फ मेरे पास 90,000 की डिमांड आई, तो 10,000 जो बचा दैट इज कॉल्ड अनडिजायर्ड और अनप्लांड स्टॉक. अब आप बोलोगे सर 1,00,000 का तो प्लान किया था ना, तो प्लांट हो गया, तो बेटा वो प्लांट 1,00,000 अलग हो गया. अनप्लांड की अगर बात करूं तो एट द ईयर एंड 10,000 वॉज द अनप्लांड, आप नहीं गेस कर पाए, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है. ये आगे जाके पढ़ोगे, इसी की वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का पॉइंट आएगा. चलो यहां पे एक छोटू सा ब्रेक ले लो एंड देन वी मूव ऑन दैट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो था ना भाई, किसी भी चीज को अगर मैं कहूँ ऑल टुगेदर बात करूँ तो उसको ग्रॉस ही कहते हैं. ग्रॉस मतलब एज अ होल, एज अ टोटल. नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पढ़ चुके हो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है. नाउ इसमें एक पॉइंट होता है कि देखो जो तुम्हारा स्टॉक है, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर एक चेंज होता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल आप यूज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है. तो डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज कर रहे हो तो दैट डेप्रिसिएशन शुड बी रिड्यूस. तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं नेट इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप जानते हो क्या होता है, ओनली चेंज दैट अकर्स इन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज स्टॉक कंटिन्यूअसली चेंजेस एंड एसेट इज यूज्ड, सो डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस्ड. नाउ We have net investment. What is a net investment? Gross investment minus depreciation is called net investment. अब इसके फायदे क्या हैं? ठीक है, इसके फायदे ये हैं कि भाई किसके फायदे गिना रहा हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट के, डेप्रिसिएशन के फायदे नहीं गिना रहा हूँ. वही रिपीट पॉइंट है, जीडीपी बढ़ेगा तो हम नौकरियां लोगों को दे पाएंगे, प्रोडक्शन हम ज्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और हमारी कैपिटल भी फॉर्मेट होगी. आप बोलोगे सर दो बार इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग बता रहा हूं, उसके हिसाब से अलग बता रहा हूं, बट देयर इज नो डिफरेंस. आप चाहें तो यही उसमें भी लिख सकते हैं. नाउ
डेप्रिसिएशन को एक और वर्ड से कहा जाता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का कंजम्पशन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। अब डेप्रिसिएशन जैसे स्टॉक था ना, वैसे डेप्रिसिएशन में भी दो टाइप हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यूज करने पे जो चार्ज होता है, यानी सपोज दैट टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मतलब समझना है कि दिस इज कॉल कि डेप्रिसिएशन में भी दो टाइप होते हैं। एक एक्सपेक्टेड होता है कि सडनली फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया या डिमांड में चेंज आ गया, दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर मी। क्योंकि आदमी को पता होता है कि नोकिया 3310 आया तो आपको कलर फोन ही आएगा। अगर लोगों की डिमांड सपोज दैट फैशन वेयर में, भाई पहले स्लिम फिट जीन्स चलती थी, अब थोड़ी लूज चल रही, स्ट्रेचेबल चल रही है, तो आदमी को पता है कि चेंज होने वाला। तो डिमांड एंड टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। लेकिन नेचुरल डिजास्टर उड़ीसा में जैसे अभी आया, ठीक है, तो जैसी जगह अगर सडन कैलामिटीज आती हैं तो दैट इज कॉल अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। वहां हमें सडनली पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था। दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन या अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। और दूसरा फॉल इन मार्केट वैल्यू, अभी आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा पूरी तरीके से फॉल कर रहा है। ठीक है, तो उस फॉल की वजह से, उस डाउनफॉल की वजह से, नीचे मार्केट के नीचे गिरने की वजह से हमने क्या हुआ, एक तरीके से सडन पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अभी आपको अगर आपको पता हो तो फिलहाल टाटा और जितनी भी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उन्होंने सबने 4-5 दिन के अपना प्रोडक्शन रोक दिया हुआ है। चलिए नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच कैन बी आस्क्ड इन प्री बोर्ड एज वेल। ठीक है, प्री बोर्ड में अगर मैं बोलूं तो इंटरमीडिएट वाला वो जो बताया पॉइंट आ सकता है, स्टॉक एंड फ्लो आ सकता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट तो आगे आता ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल इसको कहते हैं। ठीक है, नाउ स्टॉक एंड फ्लो में मैं इंटरनली बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं, सिंपली मैं एक वर्ड में डिफाइन करता हूं। स्टॉक मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी की वैल्यू बता दी जाए दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और अगर किसी चीज की वैल्यू बताने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे चाहिए हो तो दैट इज कॉल्ड फ्लो। अभी मैं बोलूं कि तुम कानपुर से दिल्ली गए, कानपुर से अगर तुम दिल्ली गए तो तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी, तो क्या तुम अचानक से रास्ते में इटावा में बता सकते हो इतनी स्पीड थी मेरी? नहीं, तुम्हें पूरी जर्नी का एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने उसमें नहीं जाते, मैं एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। सेकंड स्टॉक की बात करूं तो अगर मैंने बोला कि भाई यहां से लेके कानपुर की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो कानपुर तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 400-450 किलोमीटर, यू कैन समवेयर गेस इट अराउंड, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू गेस इट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। अब इसको थोड़ा मतलब ये तो लेमैन वाले एग्जांपल हो गए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कई लोग देते हैं कि सपोज दैट अगर वैसे मैं बोलूं कि बाल्टी में कितना पानी है तो तुम बता सकते हो 1 लीटर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। लेकिन अगर बाल्टी फूट गई और पानी गिरने लगा उससे, ठीक है, तो पानी गिरने तो मैं बोलूं अभी कितना गिरा, यू कैन नॉट न्यू इट। बात समझे? तो ये भी एक लेमैन का एग्जांपल दिया जाता है, पर चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे 100 रुपए का नोट, यू नो दिस इज स्टॉक, भाई आज इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। लेकिन अगर मैं बोलूं हर बार मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं और मैं बोलूं एवरेज कितने पैसे डिपॉजिट कर दिए होंगे, यानी एवरेज कितना आपने पैसा डिपॉजिट किया, अब सपोज दैट किसी महीने 1000 रुपए, किसी महीने 2000, किसी महीने 5000, 8000, 10000, 12000 करके आपने 12 महीने में कुछ पैसे जमा किए, उन सबको जोड़ो डिवाइडेड बाई 12, दैट इज एवरेज फंड। तो क्या उस पूरे डिपॉजिट को एक दिन में एक टाइम पे बता सकता, इतना डिपॉजिट किया पूरे साल में? नहीं, उसके लिए एक टाइम गैप लेना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, नाउ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टॉक का जो मैंने नाम बताया वही अ पर्टिकुलर टाइम, और ये अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इसमें आप कैपिटल लिख सकते हो, भाई मैं बता सकता हूँ अभी मेरी कैपिटल क्या है। ठीक है, बैंक डिपॉजिट मैं अभी बता सकता हूँ मेरे बैंक में कितना डिपॉजिट है, बताऊंगा नहीं। नाउ वी हैव स्टॉक एंड देन वी हैव 100 रुपी नोट वाला एग्जांपल वही अपना। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरेज निकाली जाती है, आपको पता है 12th में है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा पार्टनरशिप में। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, फैमिली कंजम्पशन, गुड एग्जांपल फैमिली कंजम्पशन, यानी फैमिली कितना कंज्यूम कर रही है एक दिन में नहीं बना सकते, प्रोडक्शन एवरेज कितना हो रहा पता करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी कम अप टू द नेक्स्ट विच इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। ओके, म्यूचुअल डिपेंडेंस बेसिकली क्या है, ऑन ईच अदर, मतलब इन दोनों का एक दूसरे में म्यूचुअल डिपेंडेंस है। सपोज आप 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो आज के टाइम पे आप बता सकते हो भाई मेरा 1000 रुपए डिपॉजिट है, दिस इज स्टॉक। लेकिन अगर मैं मंथली विड्रॉल, एवरेज विड्रॉल, एवरेज डिपॉजिट या विड्रॉल की बात करूं तो आप क्या करोगे, 12 महीने का एवरेज। आई नो ये चीजें इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेबल होती हैं। वाई वी स्टडी दिस, ये टर्म मैं क्यों पढ़ूं, ये टर्म तुम्हें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल, कैश, इन्वेस्टमेंट, इतने सारे इकोनॉमिक में टर्म यूज होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये किस कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को बिलोंग करते हैं, स्टॉक कैरेक्टर या फ्लो कैरेक्टर। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोर सेक्टर इकोनॉमी। हमारी देश की इकोनॉमी 4 सेक्टर में बटी हुई है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर,
गुड्स मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट, मोदी जी की बात चल रही, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है नाउ। लेकिन हमें अभी सिर्फ दो सेक्टर पे फोकस करना है, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अभी इसमें क्या कहने का मतलब है कि एक हम इनकम प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साइकिल चलती है। अभी आम हाउस होल्ड, ठीक है, तो मेरे को अगर कुछ भी जनरेट करना है, पैसा खाने के लिए कुछ भी चाहिए, प्रोडक्शन के लिए, माय बैड, प्रोडक्शन ही, कुछ भी खाने पीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ अपनी सर्विसेज या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, उसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, जिसको हम लैंड लेबर के फॉर्मेट में लेते हैं। एंड उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूसर को जो आप सर्विस दे रहे हो उसके अगेंस्ट में वो आपको क्या देता है, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला। नाउ थर्ड साइकिल विच केम्स कि अब मेरे को कुछ खाना पीना, तो मैंने कंजम्पशन के लिए एक एक्सपेंडिचर, यानी फिर मैं प्रोड्यूसर के पास गया एंड आई परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया एंड देन आई रिसीव सम गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ड्रॉ इट नाउ। नाउ सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो, सेकेंड इज फैक्टर इनकम एंड थर्ड पॉइंट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों मॉनेटरी फ्लो कहलाते हैं। मॉनेटरी फ्लो समझ में आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जेब से पैसा दोगे एंड फैक्टर इनकम जेब से पैसा दोगे, दैट इज मॉनेटरी फ्लो। जबकि वन और फोर्थ एक बार्टर सिस्टम की तरह था कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और और इधर गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, दोनों गुड्स से रिलेटेड है, तो इसको हम रियल फ्लो कहते हैं या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का एग्जाम्पल। अब एक टर्म और आता है इसमें, दैट टर्म इज नोन एज इंजेक्शन एंड लीकेज। देखो जब भी मार्केट में, सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड है तो कभी चाहे तो हाउस होल्ड हर पैसा कंज्यूम करने में नहीं लगाता, वो कुछ पैसा बाहर निकाल लेता है सेव करने के पर्पज से। ठीक है, मैं सब कुछ खाने में नहीं खर्च करता हूँ, कुछ सेविंग भी करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड सेविंग, उसको हम यहाँ पे कहते हैं लीकेज, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लीकेज। एंड द लास्ट वन इज इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब इन्वेस्ट। अब सपोज दैट मार्केट में बहुत ज्यादा लो डाउन हो गया और मार्केट फॉल कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा सा पैसा फ्लो कराती है मार्केट में, लोन सस्ते कर देती है, सिक्योरिटी बेच देती है अपना, गवर्नमेंट स्टेक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का बेच देती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो पॉइंट से रिलेट करके लिखना, इंजेक्शन का मतलब होता है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट या मेकिंग फ्लो ऑफ करेंसी, फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, एंड लीकेज का मतलब होता है टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द मार्केट, सर्कुलर फ्लो विच इज डन बाई इंडिविजुअल फॉर सेविंग पर्पज। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें यह पता चलता है कि हाउ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड आर इंटरडिपेंडेंट टू इच अदर, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरियल डिपेंडेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सिंपल सी बात है, हमारी नेशनल इनकम पता चलेगी, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वही तो हमारी नेशनल इनकम बनेगी। एक चीज मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, दैट इज कि ये हर जितने भी चारों सेक्टर मैंने बताया, हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरन, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, देख चुके हो, नहीं बताने की जरूरत है। प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, कैसे, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम से, और गवर्नमेंट डिपेंड करती है प्रोड्यूसर और फॉरेन दोनों पे, ताकि उसकी इनकम रेवेन्यू जनरेट हो सके। एंड द लास्ट वन, फॉरेन प्रोड्यूसर दोनों गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। सो दीज आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, ये सभी एक एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ओके, यहाँ पे चैप्टर बस लगभग फिनिश। एक पॉइंट और समझ लीजिए, रेसिडेंट और सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है कि भैया जो एक साल से ज्यादा आदमी रहे, ऐसा आदमी जो एक साल से ज्यादा रहे हमारी कंट्री में, एक साल ज्यादा रहने का मतलब कि वो रह रहा है हमारी कंट्री में, एंड मतलब बर्थ हुई है उसकी वहीं पे। यहाँ पे बेटर वर्ड ये होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से मैं कह सकता हूँ कि उसने बर्थ यहीं पे ली है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे है। इसको टैक्स की लैंग्वेज में स्टे फॉर मोर देन वन ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट सिंपली एक ऐसा पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है, बर्थ नहीं ली है, रह रहा है, उसके पास सिटीजनशिप राइट नहीं है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो सिंपल डिफरेंस इन सिटीजन एंड रेजिडेंट इज व्हाट, कि सिटीजन जो होता है उसका बर्थ राइट वहीं होता है, वहीं सब कुछ होता है, ही हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल, जबकि नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट क्या होता है, जो वहां रह रहा है, ही हैज नॉट टेकन बर्थ देयर, वो रह रहा है प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यहाँ पे। नाउ दिस फिनिश ऑफ आर बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है नेशनल इनकम। आई होप ये क्लास समझ में आई हो। इसको 2 से 3 बार देखना, एग्जाम्पल्स बना लेना और इसको पढ़ने से पहले बाकी चैप्टर के रिवाइज कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन विच वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। तब तक के लिए नमस्कार।